सो जो हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ निकालने के लिए, ठीक है, कि फाइंड आउट कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वैल्यू ऑफ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर एनी फिल्टर। तो हम फिल्टर किसी भी फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मान आप कैसे निकालोगे वो। तो जैसे मैं टी टाइप को ही लेके चल रही हूँ, तो टी टाइप के लिए आपका क्या है, अंडर रूट जेड वन स्क्वायर बाय 4 + Z1/Z2, जहाँ पे जेड वन आपका जे एक्स वन है और जेड टू आपका जे एक्स टू है। अब हमें ये पता है इसके अंदर कि आपका किसी भी फिल्टर के लिए, कोई भी जो फिल्टर है आपका, कोई भी फिल्टर है उसके लिए एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी होती है। उस डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से को क्या करता है, पास करता है और बाकी की रोक देता है, ठीक है। अगर हम कहें कि किस, जैसे मैं कहूँ कि लो पास फिल्टर है, तो कम वाली फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, बाकी को रोक देगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू, जहाँ पे अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब उसको पास नहीं होने देगा। अब मैं कहूँ कि मुझे हाई पास फिल्टर बना, जब मैं कहूँ मुझे हाई पास फिल्टर बनाना है, तो हाई पास फिल्टर कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका इस तरीके से। यहाँ पे अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको पास नहीं होने देगा, पर इसको पास होने देगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी, ये देखिए अल्फ़ा बराबर जब आपका 0 है तो वहाँ पे क्या, ये रेजिस्टिव यानी आपकी जो इम्पीडेंस है वो क्या है, रियल है, ठीक है। और जब आपका क्या है, जब जिसको आपका अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे अटैनुएशन आपका 0 के बराबर नहीं है, मतलब अटैनुएशन क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे जो आपकी इम्पीडेंस आई थी वो क्या आई थी, इमेजिनरी आई थी, इमेजिनरी। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी वो फ्रिक्वेंसी है जिसमें आपके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी वो फ्रिक्वेंसी है जिसमें वो क्या करता है, अपनी इम्पीडेंस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है इमेजिनरी से रियल और रियल से इमेजिनरी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम जो थ्योरम हमने ऊपर यूज़ किया वो सेम थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए। हमें पता है कि फिल्टर के पास बैंड में आउटपुट फ्रिक्वेंसी, पास बैंड के लिए दो किया था ना, पास बैंड के लिए जेड नोट क्या था आपका, रियल था, ठीक है, रियल था, ठीक है, यानी रजिस्टिव था आपकी इम्पिडेंस। तो ये हम दिखाएंगे जेड नोट के पास बैंड के लिए आपकी जो इम्पिडेंस थी वो क्या थी, रियल थी, और आपका अटैनुएशन बैंड क्या आता है, अल्फ़ा बराबर किसके था, अल्फ़ा आपका 0 था। लेकिन अगर इसका उल्टा चले तो आपका क्या था, स्टॉप बैंड में आपकी जो इम्पीडेंस थी वो क्या थी, इमेजिनरी थी, और अटैनुएशन आपकी अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू, सारा खेल आपका अल्फ़ा का ही है, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको यहाँ पे किया, यानी हम ये कह सकते कि वह फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी जिस पर जेड नोड की वैल्यू, जिस पर जेड नोड की वैल्यू रियल से इमेजिनरी में या इमेजिनरी से रियल में चेंज हो जाती है, और वो फ्रिक्वेंसी जिस पर ये काम होता है, ये इम्पीडेंस आपकी शून्य से पास होकर गुजरती है या रियल से इमेजिनरी या इमेजिनरी से रियल में चेंज होती है, ट्रांसफ़र होती है, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए जैसे हमने पहले भी बताया, हमें पता है जेड नोट टी बराबर किसके है, अंडर रूट जेड वन स्क्वायर बाय 4 + Z1/Z2। अब हमें पता है, ये मैं फिल्टर के लिए बात कर रही हूँ, इम्पीडेंस लोड के लिए बात नहीं कर रही हूँ ना, सोर्स के लिए। अब हमें पता है फिल्टर किससे मिलके बना आपका, एल और सी से, यानी इसकी जो इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, रिएक्टिव होगी। तो अभी निकाला है जेड नोट टी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड वन स्क्वायर बाय 4 + Z1/Z2, जहाँ पे जेड वन आपका जे एक्स वन और जेड टू बराबर आपका जे एक्स टू है। आपने इसको जेड वन की और जेड टू की वैल्यू को लिखा रखा, तो जे स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर बाय 4 + Jx1 Jx2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जे स्क्वायर माइनस, विद साइन के साथ ही चलेंगे माइनस, ठीक है। माइनस आपने कॉमन लिया, x1/x1/4 + x2, ठीक है। अब ये जो हमारी कहानी आई है इसके अंदर, अब इसमें दो केसेस आते हैं आपके, आपका जो जेड नोड है वो डिपेंड करेगा आपका दो टर्म्स में, दो चीज़ों पे, दो चीज़ों की साइन पे, या तो आपका एक्स वन मतलब किस पे, जेड नोड डिपेंड्स ऑन जेड नोड, दूसरा स्केच में यूज़ करती हूँ आपका, जेड नोड जो है डिपेंड्स ऑन किस पे, एक्स वन एंड x1/4 + x2, इन दो पे डिपेंड करते हैं, या तो x1 पे या x1/4 + x2 पे। अब कैसे डिपेंड करता है, माइनस साइन तो आपका ऑलरेडी है। अब ये कहता है कि या तो x1, अगर ऐसा उस दो केसेस होते हैं, या तो x1 और x1/4 + x2, फर्स्ट सेकेंड टर्म हो गई ये वाली,
और ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, या तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ टर्म्स आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटली माइनस साइन फिर से रह जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन तो आपका पहले से इन एक्सप्रेशन में, एक्स वन पॉजिटिव ये वाला भी पॉजिटिव, तो भी क्या रहेगा, टोटल नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तब भी क्या, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, तो उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन में आपका यानी स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगी वो आपको नेगेटिव में ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड नोड यानी जेड नोड जो है आपका, जो जेड नोड है ठीक है, ये जेड नोड जो है वो आपका क्या है, इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको रिप्लेस करोगे माइनस को जे स्क्वायर से, बाहर जे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें, यानी ये इमेजिनरी होगा, यानी यहाँ जो इम्पिडेंस होगी वो आपकी क्या होगी, रिएक्टिव होगी। आई मेरी बात समझ? यानी इस केस में फिल्टर में क्या होगा, इस रेंज में फिल्टर में क्या होगा, आपका क्या करेगा, अटैनुएट करेगा, ठीक है, यानी अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब अगर मैं ये कहूँ सेकंड केस में, दो केसेस में आप हमेशा इसे ऐसे दिखाएंगे, द टू केसेस आर अराइजेज हेयर एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्स वन एंड एक्स वन बाई फोर प्लस एक्स टू, यानी अगर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो जेड नोड की माइनस ही आएगी, और माइनस को अगर आप जे स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो जे बाहर आएगा, तो यानी ये रिएक्टिव होगा, यानी यहाँ पे अटैनुएशन होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये तो माइनस का साइन तो है, इसको तो छोड़ दीजिए, या तो फर्स्ट में से या सेकंड में से, या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, तो दोनों क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, और एक माइनस साइन आपका ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो जेड नोड है वो क्या है, आपका रेजिस्टिव है, क्योंकि रेजिस्टिव है मतलब रियल है, यहाँ पे क्या आता है, इमेजिनरी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, फिर से याद करा दूँ, जेड प्लस आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स वन, अगर जेड बराबर आर के आ गया तो वो रियल हो गया, और अगर जे के बराबर आया तो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, यानी वो रेजिस्टिव हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो के, मतलब कोई भी अटैनुएशन नहीं होगा, यानी इस फ्रिक्वेंसी में कुछ भी आपका क्या नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो इसको हम समझ सकते हैं ग्राफ से, हम एक ग्राफ खींच रहे हैं किसके, एक्स, अभी हमने एक्स के बीच में देखा और किसके, फ्रिक्वेंसी के बीच में देखा, मतलब इस फ्रिक्वेंसी के लिए अटैनुएशन होगा या नहीं होगा। एक्स लिया ना, एक्स वन एक्स टू, एक्स किसके बराबर है, ठीक है, तो एक्स वन एक्स टू की जो वैल्यू है जो हम यहाँ से देखते हैं, हम कहते हैं ये रिएक्टेंस है, ठीक है, और ये फ्रिक्वेंसी है। हम ये कहते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी जिन पर, अगर आपका जो फ्रिक्वेंसी जो आप जिस फ्रिक्वेंसी पर, वे फ्रिक्वेंसी जिन पर कर्व फ्रिक्वेंसी एक्सिस पर, फ्रिक्वेंसी एक्सिस पर जो ग्राफ आ रहा है वो दोनों साइड्स में है, मतलब ऊपर भी है फ्रिक्वेंसी के और नीचे भी है, इधर भी है और इधर भी है, अप भी है और डाउन भी है, तो ऐसे को हम बोलते हैं पास बैंड। लेकिन जो जो ग्राफ आपको सिर्फ केवल एक साइड में, जैसे ये एक ही साइड में दिखाई दे रहा है, जैसे आप ये वाला कहो, ये वाला इधर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया आपका, जो एक ही तरफ दिखाई देगा वो होगा अटैनुएशन बैंड, ठीक है, यानी अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, यानी आपकी जो जेड नोड है वो क्या है, इमेजिनरी है। लेकिन जो आपको दोनों तरफ दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ इस वाले में आधे चलो, जैसे यहाँ है वैसे ही आपका यहाँ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रियल हो जाएगा। तो जिस फ्रिक्वेंसी पर जो ग्राफ है वो दोनों साइड्स में हो, जिस फ्रिक्वेंसी पर जो ग्राफ है वो दोनों साइड्स में हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास बैंड। और इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ, जिन फ्रिक्वेंसी के लिए कर्व जो है फ्रिक्वेंसी एक्सिस के केवल एक साइड में हो, उसे हम बोलेंगे अटैनुएशन बैंड, ठीक है। तो इसमें हमने दो क्या दिखाए हैं, पास बैंड दिखाए हैं और एक आपका अटैनुएशन बैंड दिखाया है। देखिएगा ज़रा, ये रिएक्टेंस है एक्स और ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा है अटैनुएशन बैंड, अटैनुएशन बैंड, अटैनुएशन बैंड, ठीक है, ये आपका अटैनुएशन बैंड है और ये आपका क्या हो गया, पास बैंड, जो आपके इधर भी हैं और इधर भी हैं, ये देखिएगा, ये भी आपका क्या है, पास बैंड है,
ये पास बैंड है आपका, ठीक है, ये आपका पास बैंड है इस फ्रिक्वेंसीज पर, ठीक है, जैसा इधर है ऐसे आपको दूसरी तरफ आ रहा है, जैसे इधर है ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया इन फ्रिक्वेंसीज पर क्या आपका पास बैंड है। तो अगर दोनों तरफ है, अगर आपका किसी फ्रिक्वेंसी पर जो कर्व आ रहा है वो दोनों साइड है फ्रिक्वेंसी के, तो क्या हो जाएगा पास बैंड, जो केवल एक साइड होगा, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ तो हो जाएगा अटैनुएशन बैंड। समझ आ रही मेरी बात? ये मैंने दिखाया अटैनुएशन बैंड आपको, ये देखिएगा ऐसा इधर नहीं है, इधर ग्राफ है आपका, तो ये अटैनुएशन बैंड हो गया, ये अटैनुएशन बैंड हो गया, इधर है पर इधर नहीं है, ठीक है, ये है ये आपका अटैनुएशन बैंड। बाकी आप क्या बचे, जैसे ये है ये इधर है, ये आपका पास बैंड हो गया, ठीक है, ये वाला दिस वन, ये वाला आपके पास बैंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपके पास बैंड हो गए, ये आपके अटैनुएशन बैंड और ये आपके पास बैंड, जैसा यहाँ है ऐसा यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। तो फिल्टर के टाइप्स हैं आपके एक्टिव एंड पैसिव। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ एक्टिव और पैसिव फिल्टर में, ये कंपोनेंट्स के बेसिस पे है, कंपोनेंट्स ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट क्या है, एक्टिव फिल्टर वे फिल्टर हैं जिसमें आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव फिल्टर कौन से हुए, जिसमें आपके एक्टिव कंपोनेंट हुए, और पैसिव फिल्टर कौन से होते हैं, जिसमें पैसिव कंपोनेंट होते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे एल आर सी, ठीक है, तो यानी पैसिव फिल्टर वे होंगे जिसमें एल आर सी आपके कंपोनेंट्स होंगे, सीरीज में भी हो सकते हैं पैरेलल में भी हो सकते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जिसमें आपके ओपैम ट्रांजिस्टर होंगे। जैसे मैं ओपैम की बात करूं, यानी ये वो फिल्टर होते हैं जिनमें आपके एक्टिव कंपोनेंट, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम यूज़ में लेके आते हैं, और जब ये, और इनसे क्या होता है कि आपका जो सिग्नल है वो खुद ही क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम एक्टिव कंपोनेंट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर तो होंगे, प्लस आपके आर सी भी होंगे, एल आर सी, ये नेटवर्क भी आपके हो सकते हैं, मतलब ये अकेला ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशंस में ही आता है आगे, ये तो क्लासिफिकेशन हो गई आपकी एक्टिव और पैसिव फिल्टर। फिर आपको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैं कह सकते हैं फिल्टर में आपका सीरीज और पैरेलल में, आपने कह दिया कि अगर आप एक आपका जो मैं कहूँ कि जेड वन एंड जेड टू, क्लासिफिकेशन समझा रही हूँ मैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स, हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में, ठीक है। एक तो आपका फिल्टर में आप जो आपका इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस कनेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीडेंस कनेक्शन, मतलब जेड वन जेड टू जैसे आप ही कैसे कनेक्टेड है, जेड वन और जेड टू आप ही कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जेड वन जेड टू कैसे कनेक्टेड है, आप ये कह सकते हो सीरीज़ में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, शंट में भी कनेक्टेड, जैसे टी में आपके जेड वन जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, और जेड टू अगर पाइप में चलूँ तो वो शंट में कनेक्टेड, शंट में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं कह सकते हैं कि इसमें आगे आपके दो टाइप्स आ जाएंगे फिर से, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंट के फिल्टर, या जिसका दूसरा नाम है, या और प्रोटोटाइप फिल्टर, कॉन्स्टेंट के फिल्टर, कॉन्स्टेंट के फिल्टर या प्रोटोटाइप फिल्टर, या इसी का दूसरा आता है एम डिराइव फिल्टर। ये किसके बेसिस पे आप कैसे कनेक्शन कर रहे हो जेड वन जेड टू को, ठीक है, एम डिराइव फिल्टर। फिर आता है उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कैसे, आपका लो पास है, ठीक है, लो पास, आपका हाई पास है, ठीक है, आपका बैंड पास है, और ये आपका बैंड स्टॉप है, बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ, लो पास फिल्टर LPF, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर BSF। तो ये चार टाइप्स आएंगे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे के सेक्शन, कॉन्स्टेंट के फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर हम इसको कॉन्स्टेंट के फिल्टर में हम इन चारों टाइप्स को बताएंगे, इनके एनालिसिस करेंगे, बैंड पास स्टॉप फिल्टर की, कॉन्स्टेंट के फिल्टर, इसी तरह एम डिराइव फिल्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है।
तो आपका लास्ट बचा है इसमें, ये कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट बताइए कि कॉन्स्टेंट के फिल्टर में हम चारों का एनालिसिस करेंगे डिज़ाइन करके। फिर नेक्स्ट है आपका एम डी राइट फिल्टर, बताऊंगी मैं कि कैसे होता है। लेकिन उससे पहले इसमें एक बीच में चैप्टर दिया हुआ है कि एक्टिव और पैसिव फिल्टर, तो मुझे उसमें एक्टिव फिल्टर्स को आपको समझाना है। एक्टिव फिल्टर्स आपका यानी कॉन्स्टेंट के फिल्टर के कल के बाद में एक आपके एक या दो आपके ये लगेंगे लेक्चर्स, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा एक्टिव फिल्टर्स, उसके बाद एम डिराइव फिल्टर, एंड आफ्टर देन लास्ट इज योर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।